मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूल के बच्चों को 2 साल से स्कूल ड्रेस नहीं मिली है। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर बच्चे पुरानी गणवेश में ही स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वहीं इस मुद्दे को लेकर काला पीपल विधायक कुणाल चौधरी ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जिस तरीके से सरकार की नीति है, 2 साल से कभी विधायक खरीदी, कभी जनपद खरीदी, कभी पार्षद खरीदी, सिर्फ इस खरीदी के अंदर व्यस्त है। जो अपने आप को मामा कहने वाले हैं, उनके राज में बालक बालिकाओं को ड्रेस उपलब्ध नहीं है। इनके राज के अंदर साइकिलें उपलब्ध नहीं है, सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले उपलब्ध हैं। चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री, सभी लूट सको तो लूट लो योजना में लगे हुए हैं। लूट के माध्यम से कैसे खरीद फरोख्त करके चुनाव जीता जाए, इसमें लगे हैं। देखिए, जिस तरह की एक सरकार की नीति, 2 साल से कभी विधायक खरीदी, कभी जनपद खरीदी, कभी पार्षद खरीदी, सिर्फ इस खरीदी के अंदर व्यस्त है। जो अपने आप को मामा कहने वाले व्यक्ति हैं, उनके राज में बालक बालिकाओं को ड्रेसेस उपलब्ध नहीं है, उनके राज के अंदर साइकिलें उपलब्ध नहीं है, सिर्फ करोड़ों अरबों रुपए के घोटाले उपलब्ध है। चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, सिर्फ लूट सके तो लूट योजना में लगे, और इस लूट के माध्यम से कैसे खरीद फरोख करके सिर्फ चुनाव जीता जाए, इसके अंदर लगे। काला पीपल से दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट।